टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एडवर्टीजमेंट के बारे में जो कि बोस इंस्टीट्यूट के थ्रू पब्लिश किया गया है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून टू अगस्त 2022। वैकेंसी है वो जस्ट फिलहाल में ही निकली है, तो मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देती हूँ। सो बोस इंस्टीट्यूट विल ऑफर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट इन लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू अगस्त 2022 एंड दैट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 8 weeks। तो बोस इंस्टीट्यूट ने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग उन स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया है जो कि इस टाइप के ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, और जो ब्रांचेस इसमें इंक्लूड की जाएंगी वो होंगी लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज एज वेल एज केमिकल साइंसेज। इसके ड्यूरेशन की बात करें हम तो जून से लेके अगस्त 2022 के बीच में इस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसका पीरियड होगा 6 to 8 weeks, यानी 6 से 8 वीक के लिए इस प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हो सकता है। सो द ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड बाय द फैकल्टी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट हु वुड सेलेक्ट द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर ओन एकेडमिक इंटरेस्ट। तो जो ट्रेनिंग होगी वो फैकल्टी मेंबर के थ्रू कंडक्ट की जाएगी और स्टूडेंट को उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू इंटरेक्ट विद द फैकल्टी मेंबर अबाउट द अवेलेबल रिसर्च प्रोग्राम प्रायर टू द फिलिंग अप द फॉर्म। तो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो जिस भी फैकल्टी मेंबर के अंडर में रिसर्च प्रोग्राम अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं वो एक बार उनसे किसी भी तरीके से इंटरेक्ट कर लें फॉर्म फिलअप करने से पहले, तो इट विल बी अ बेस्ट थिंग। स्टूडेंट हु आर परसुइंग मास्टर डिग्री एग्जाम्पल MSc, MVSc, MTech, इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट इन देयर फोर्थ ईयर एक्सेट्रा में अप्लाई। जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं जैसे कि हो गया MSc, MVSc, MTech या इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट जो हैं जो अपने फोर्थ ईयर में हैं वो इस पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्शन स्टूडेंट जैसे कि हो गया इंस्पायर, JBNSTS, KVPY एंड NTSC एक्सेट्रा अवार्डीज एट द बैचलर डिग्री लेवल में ऑल्सो अप्लाई। तो एक्सेप्शन स्टूडेंट के केसेस पे ये जो यहाँ पर फेलोशिप मेंशन की गई है, अगर आपको इन सब में से किसी का भी अवार्ड मिला है आपके बैचलर डिग्री में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो 75% एटलीस्ट 75% एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए सारे ही मेजर स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में, जैसे कि हो गया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एज वेल एज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जिसमें 10+2 चला आता है, एंड फर्स्ट डिवीजन मार्क्स होना चाहिए 60% जो कि इक्विवेलेंट होगा या एग्रीगेट होगा इन द बैचलर प्रोग्राम। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड अ रिकमेंडेशन फॉरवर्डिंग लेटर फ्रॉम अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूट और अ रजिस्ट्रार और डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेजेस ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन बिलो। और इसके अलावा आपको एक रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके डीन या डिपार्टमेंट के थ्रू फॉरवर्ड किया जाएगा। कैंडिडेट शुड अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग अ बोस इंस्टीट्यूट पोर्टल ओनली एंड अटैच अ स्कैन कॉपी ऑफ रिकमेंडेशन और फॉरवर्डिंग लेटर। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और साथ साथ में जो रिकमेंडेशन लेटर आपके कॉलेज के थ्रू मिलेगा उसकी स्कैन कॉपी भी आपको उसके साथ ही अपलोड करनी होगी। ओरिजिनल मार्कशीट एंड रिकमेंडेशन लेटर एंड आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हो गए, मार्क्स हो गए, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, इन सबको आपको प्रेजेंट करना होगा जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने जाएंगे। अगर कुछ और हाईलाइट पॉइंट की बात करें कि ओवरऑल जो है कितने स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सीट होगी, तो मैक्सिमम नंबर जो लिए जाएंगे वो होंगे टोटल 20 स्टूडेंट्स, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए मतलब 20 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है एंड एप्लीकेंट मस्ट मेंशन देयर बोर्ड ऑफ एरिया इंटरेस्ट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होगा। आउटस्टेशन कैंडिडेट शुड अरेंज फॉर देयर ओन अकोमोडेशन इन कोलकाता। और अगर आप कोलकाता के बाहर से आ रहे हैं और आप बोस इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट करने में इंटरेस्टेड हैं या ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको कोलकाता में खुद के अकोमोडेशन के लिए अरेंजमेंट खुद करना होगा। अगर हम शेड्यूल की बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन है, तो जो लास्ट डेट होगी रिसिप्ट को फिल करने की वो होगी 15th of May 2022। दिस विल बी द लास्ट डेट और डेडलाइन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अनाउंसमेंट जो किया जाएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो कि ट्रेनिंग के लिए एक्सेप्ट किए जाएंगे वो होगा 25th of May 2022, यानी 25 मई को आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से वो 20 स्टूडेंट है जिनको बोस इंस्टीट्यूट ने सेलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए। टेंटेटिव डेट जो है ट्रेनिंग के स्टार्ट होने की वो एक्सपेक्ट की जा रही है June 1st 2022। ओके, नेक्स्ट इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे जो गिवन मेल आईडी है इस पे मेल कर सकते हैं, बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, यू कैन इवन गो थ्रू दिस। और अगर मैं बात करूं
रिकमेंडेशन लेटर की, तो यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट भी देख रखा है। तो इस रिकमेंडेशन लेटर को आप भर के आप अपने डीन से उनका नाम यहाँ पे मेंशन करके, डिपार्टमेंट या डिवीजन मेंशन करके, यूनिवर्सिटी मेंशन करके, आप यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में इसको भर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डीन से या प्रिंसिपल से साइन करवाइए, इसकी सॉफ्ट कॉपी निकलवाइए और उसको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करेंगे तो उसके साथ आप इसको, आपको जो है इसकी एक स्कैन कॉपी को भी ऑनलाइन ऑनलाइन बेसिस पे सेंड करना होगा। तो ये सारा का सारा डिटेल था रिगार्डिंग द बोस इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बोस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, आप चाहें तो आप इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है तो काफी अच्छे अच्छे वहाँ पे काम आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप बिल्कुल इस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो।